दोस्तों आखिरी बार आप इस पीटी को देख लीजिए, इसके बाद आपको ये पीटी देखने को नहीं मिलेंगी। अरे नहीं अरे हमारा ब्लैक तेरा जी तेरा और दो अंदर में रेड वाले डाले ब्राउन वाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग बिजंटी। दोस्तों कैसे हो आप सब? अभी 6 बज चुके और अभी तक के दोस्तों मेरे कबूतर नहीं खुले, आज ऐसा मौसम है पूरा ठंडा। तो दोस्तों आज हम अपनी कबूतर की पेटी तोड़ने वाले, तो जल्दी से कबूतर खोल लेते हैं। हम कबूतर बहुत ज्यादा बाहर नहीं कर रहे। दोस्तों मैं कबूतर खोल लेता हूँ और साफ सफाई भी कर लेता हूँ, तो दाना पानी देके आधे कबूतर बंद भी कर देता हूँ। दोस्तों हम ये वाले कबूतर को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो फिर हम कबूतर की पेटी तोड़ेंगे। दोस्तों कबूतर मैंने खोल लिया हूँ और छत की साफ सफाई भी कर दिया हूँ। अब दोस्तों इस पेटी को हम तोड़ने वाले, पेटी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों बहुत दिन से आपको बोल रहा था मैं कबूतर की पेटी हम बनाने वाले, कबूतर की पेटी हम बनाने वाले, तो आज दोस्तों फाइनली हम कबूतर की पेटी को तोड़ने वाले और किस चीज़ से तोड़ने वाले वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इससे हम कबूतर की पेटी तोड़ने वाले, भरिए दोस्तों आप इसको उठा के देखता मैं। एक ही इसमें दो जाएंगे ऐसा? दोस्तों बहुत ज्यादा भारी है ये पेटी, भी तो मजबूत है ना उसको। एक दो मजा कर रहा हूँ, इतने तोड़ेगी नहीं। ठीक है, ये हम किसी और चीज के लिए लेके आए थे। मैं तो चाहता दोस्तों आप भाई को बताने के लिए कि फाइनली हम कबूतर की पेटी को तोड़ने वाले, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। तो दोस्तों तनवीर भाई बाजू कबूतर खोल रहे हैं, जब तक के दोस्तों अपने कबूतर सब दाना पानी खा के बढ़ जाएंगे। कबूतर को मुझे वॉशरूम में बंद करना पड़ेगा एक दो दिन के लिए, क्योंकि अपनी कबूतर की पेटी इतनी जल्दी तो बनेंगे नहीं। दोस्तों कबूतर की पेटी में सिर्फ एक बच्चा है, तो इस बच्चे को हम दूसरे कबूतर के पास रख देंगे। तो दोस्तों छतरी हमने बाजू से लेके आ गए, अब दोस्तों इस छतरी को हम लगा देंगे वॉशरूम के अंदर में। अभी अपने कबूतर का दाना खा के हो चुका है, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इस बच्चे को हम दूसरे कबूतर के पास में रख देंगे। और यहाँ पे जितने भी पेटी में अंडे हैं, ये सब अंडे प्लास्टिक के हैं। दोस्तों इस हथौड़ी की वजह से अपने कबूतर पूरे डर गए और देखिए कबूतर पूरे पैरामिट के ऊपर जाके बढ़ चुके हैं। दोस्तों आखिरी बार आप इस पेटी को देख लीजिए, इसके बाद आपको ये पेटी देखने को नहीं मिलेंगी। इस पेटी को हम बनेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे दोस्तों अपने कबूतर दो तीन दिन के लिए रहेंगे। तो अभी दोस्तों ऊपर से कबूतर यहाँ पे ला के डाल देते हैं। पेटी कबूतर है, सारे कबूतर जाएंगे नीचे, वैसे ज्यादा कबूतर है नहीं पेटी के अंदर में। तो ये है दो, एक अंधूमी कबूतरी और एक निर्धूमी कबूतरी, तो डालते हैं इसके अंदर में। ये हमारी सेटअप किया दो तीन दिन की तो बात है, और अच्छी बात ये है कि इनके अंडे जो है प्लास्टिक के, तो अभी इनके अंडे देंगे नहीं इतने जल्दी। अपनी नई पेटी में इनके अंडे होंगे, तो वहां पे हम इनके बच्चे निकालेंगे। तो दोस्तों ऊपर से मैं कबूतर लेके आता और यहाँ पे लाके छोड़ता। एक कल्चरी मादी बोल, छतरी थोड़ी और आड़ी करना पड़ेगा। पीछे जंगी आ जाएंगे बाहर, दोनों सिराजी डाल दिए, तीनों आएंगे, तीनों सिराजी अंदर आएंगे। और ये हमारा ब्लैक सिराजी तेरा, और दो अंदर में रेड वाले डाले हमने, ब्राउन वाले पेटी बनने में हमें कितना टाइम लग जाएगा? तो लगेगा आपको 2 से 3 दिन तो कबूतर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि रहेंगे सिर्फ ये पेटी के कबूतर यहाँ रहेंगे, तकरीबन 20 कबूतर होंगे वो अंदर में। अभी और 2-3 कबूतर है तोड़ने में, कुछ ना ऑफिस टाइम है तोड़ने में, तो कोई विषय नहीं है, बनाना वो ज्यादा मुश्किल जाता। बोलो एक काम करिए, पटिया दीदी इधर जमा दो, ठीक है ना? भोलू भाई इस पेटी को आपने कितने साल तक यूज किए थे या महीने तक यूज किए थे? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल? और ऐसा नहीं कि हम इस पेटी को ऐसे रख देंगे, इस पेटी को पहले हम पूरी सफाई करेंगे अच्छे तरीके से, बाद में इस पेटी काम शुरू करेंगे। और इसमें से बहुत जल्दी बच्चा निकल जाए, तो इस अंडे को हम दूसरे कबूतर के पास में रख देंगे, क्योंकि आप भाई को पता है हमारे पास दूसरे कबूतर है जिनके पास अंडे रहते हैं प्लास्टिक के, तो अंडे को हम दूसरे कबूतर के पास में रख देंगे। चलिए ये तो हम रख दिए यहाँ पे, ये सब टेंशन नहीं, जितने प्लास्टिक के अंडे सारे अंडे हम निकाल लेंगे। 1-2-3-4 अंडे अब दोस्तों, तो जितने भी हमने गाले के ऊपर में लॉक लगाए थे, मतलब जिससे गाले की अच्छी मजबूती रहती पैकिंग बोलती है इसको, ये तो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आगे चल के जरूरत पड़ सकती है इसकी। दोस्तों ये देखो ये कितना ज़्यादा गंदा है, इसको हम सब साफ करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे बना लेंगे इसको। ये एक बच्चा है कबूतर का, तो इस बच्चे को हम दूसरे कबूतर के पास में रख देंगे,
टेंशन किसी की बात नहीं दोस्तों, क्या बच्चों को किसी बात की प्रॉब्लम होगी या बच्चे मर जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दोस्तों मैंने बच्चे को कम निकाला था इस पेटी के अंदर में, क्योंकि मेरे को मालूम था इस पेटी का काम हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो इस बच्चे को रखते हैं दूसरे कबूतर के पास में। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बच्चा है कबूतर का, इसको हम यहाँ पे रख देते तो अंडे का भी टेंशन खत्म हो गया और बच्चे का भी टेंशन खत्म हो गया। तो बहुत देर तक हम सबके ऊपर रहेंगे, क्योंकि जो गाली है हम आज ही साफ कर लेंगे। गलती दोस्तों हम कबूतर के पीछे काम शुरू कर देंगे। दीवार हमारे छत की दीवार है। अब इसको अगर वापस बनाना हो तो इसी नहीं बनती है ये देखो, इसलिए बनाना पड़ रहा है, देखो झूला झूल रहा है। तो यार ये पेटी हट जाएंगी तो अपनी छत पे कितनी जगह हो जाएगी ना। हट एक बार, अरे नहीं टूट जाएंगे ऐसे। खत्म गया, फिनिश फिनिश आंच हो गए दोस्तों हमारी पीठी का। दरवाजा रह गया भाई दोस्तों, बस देखिए दरवाजा बच गया जिसके लिए दोस्तों हम पीठी बनाने वाले थे। खास तौर पर दरवाजे को ज्यादा खराब हो चुके थे, पेटी का नामो निशान खत्म हो गया। तो दोस्तों सारे कबूतर हमारे हो चुके बंद, बस दो तीन कबूतर जो कि परेशान कर रहे हैं। एक ही खिचड़ा कबूतर है और एक हरा पट्टा है। ये कबूतर ये वाली पेटी का था, इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा बनाने में। मगर टेंशन की कोई बात नहीं है, हम छत के ऊपर लाइट लगा देंगे और इस कबूतर को पकड़ के बंद कर देंगे और नीचे ले जाकर रख देंगे। अभी अपने बाजू वाले सबके कबूतर खोले तो वो कबूतर को मुझे हंसते खाना पानी देना है और उनको बंद करना है। वहाँ पर फिर दो कबूतर है, एक हाई फ्लायर कबूतरी है और एक निलधुमा कबूतर है, तो उनको दोस्तों मुझे वॉशरूम में ले जाके बंद करना है। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ की जगह मैंने पूरी क्लीन कर दिया हो, बस ये पटिया क्लीन करना है। अभी कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, देखिए बस बार बार वही आने कर रहा है। ट्राई करो पकड़ने की, पकड़ने का ट्राई कर, वो इसको लॉक में डालना पड़ेगा। दोस्तों अभी अपने सारे कबूतर हो चुके बंद, बस दोस्तों ये कबूतर बचा था तो इसको मैंने पकड़ लिया हूँ, इसको लगा दिया। अब दोस्तों मैं ऊपर का लाइट लगा दूंगा और ये पटिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगा। सबसे ज़्यादा इसने परेशान करा ये कबूतर ने, ये देखिए दोस्तों ये अपने कबूतर। अभी मैं यहाँ पे पानी का कटोरा रख देता हूँ और दाना भी रख देता हूँ, इसको लगा देते हैं हम। अब दोस्तों सबसे मुश्किल काम मुझे करना है जो कि है पटिया की सफाई। ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, जाली को भी निकालना पड़ेगा और इसको भी साफ करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की है कि इनकी साफ सफाई अच्छी तरीके से होनी को ना। कल सुबह दोस्तों भैया आएंगे और पेटी काम शुरू कर देंगे, तो दोस्तों उनको भी पूरा सामान अच्छे से होना, ऐसा नहीं कि दोस्तों बेकार सामान रहेगा तो उनको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और जो दोस्तों दरवाजे थे उसको मैंने अच्छे तरीके से खोल लिया हूँ। दोस्तों ये दरवाजे की बॉटम है और इसके अंदर जो पुराने वाले खिले लगे थे उसको मैंने निकाल लिया हूँ और जो इसके अंदर स्टेपलर लगे थे उसको भी निकाल लिया। ये चार छोटे वाले और चार बड़े वाले और ये है जाली, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया हूँ। मतलब ये काम तो हमारा ख़त्म हो चुका है। दोस्तों बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अभी दोस्तों हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जितनी पटिया थी इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया हूँ। ये पार्टीशन थे गाले के, ये भी पूरे क्लीन हो चुके हैं और हमारी जो छत है वो भी दोस्तों पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, जैसी पहले थी वैसी क्लीन होगी। अगर दोस्तों मैं कोई काम करता हूँ और वो काम कंप्लीट नहीं होता है तो दोस्तों मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अभी दोस्तों अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है तो कल से हम कबूतर की पीटी बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को मैं एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें